ऐसा ही है, सिक्योरिटी गार्ड में हमारे पास जो वैकेंसी है लगभग 40 से 50 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, जो कि 18,000 सैलरी मिलने वाला है, 18,400। तो इसके बारे में कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, सैलरी कैसे, कितना आप PF या मतलब ज्वाइनिंग प्रोसेस बोले तो A to Z ऐसे ही सिक्योरिटी में बताने वाला हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जो ऐसे सिक्योरिटी में अभी किस लोकेशन पे कितना सैलरी है और कैसे ये जॉब आप ले सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्कार, जय हिंद, स्वागत करते हैं दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है रंजीत कुमार, हम आपको जॉब से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन प्रतिदिन सुबह को 10 बजे सिक्योरिटी और सेफ्टी फील्ड का देते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे पास ऐसे ही वैकेंसी आए हैं ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड का, जो कि 40 सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट है, जिसमें आपको 18,400 सैलरी मिलने वाला है। और इसमें बता दूँ पहले ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, जो ट्रेनिंग सेंटर में हमारे भाई दोस्त ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये गुड़गांव लोकेशन में है और गुड़गांव लोकेशन में आपको नॉर्मल नॉर्मल जो है सैलरी 18,000 से स्टार्ट रहते हैं, आप सबको पता ही होगा। तो 18,000 से स्टार्ट होते हैं, इसमें आपको नॉर्मल 18,000 से देखा जाए तो गुड़गांव 12 घंटे का 30 दिन का स्टार्ट होता है। दोस्तों इसमें ज्वाइनिंग प्रोसेस बोले तो आपको हाइट 168 सेंटीमीटर कंपलसरी है, दूसरा आपको 10वीं पास होना चाहिए, हाइट तो कंपलसरी है, वेट का कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 55-50 kg रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं जो एक्सपीरियंस है, तो और अच्छी वाली बात है, क्योंकि इंटरव्यू थोड़ा बहुत होता है, जानकारी सिक्योरिटी फील्ड का रहना जरूरी है। उसके बाद करें ज्वाइनिंग का, तो इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, पुलिस वेरिफिकेशन, ग्राम पंचायत का जो है चरित्र प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे ब्रांच आइएगा डायरेक्ट जो भर्ती होगा आपको ऑफिस से, तो ऑफिस में आपको जो है वैसे 6900 रुपया बोले तो 7000 रुपया समथिंग खर्चा होगा, जिसमें से आपको 7000 को छोड़ दीजिए, आपको 4000 से लेकर के 4500 रुपया डिपॉजिट लेगा उसी टाइम, बाकी आपको सैलरी से काट लिया जाएगा। लेकिन जब ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है तब ये सिस्टम रहता है, अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहता है तो लड़के से पूरा का पूरा 7000 लेता है। ये सब आप पहले जान लीजिए, नहीं तो बाद में मेरे को मत बोलिएगा कि भाई आप 4000 में ही बोले थे, 4000 में क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको 7000 भी लगेगा, ये आपको कंपलसरी है। ऐसे ऐसा आप सबको पता ही है, ट्रेनिंग सेंटर में जाओ तो पहले 13 से 14 हज़ार रुपये लेता था फीस ट्रेनिंग सेंटर, लेकिन अभी कम कर दिया है, बोले तो 10000 के समथिंग कर दिया गया है। 25 दिन ट्रेनिंग होता है, खाने पीने के लिए रहने के लिए देता है 10-25 दिन, यूनिफॉर्म देता है, ID कार्ड, वर्दी उर्दी सब चीज़ देता है, तो उसके 10000 रुपया ले लेते हैं अभी के टाइम में। और अभी आपको ये जॉब चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, और ये गुड़गांव लोकेशन में आपको जॉब मिलेंगे जो नियर बाय गुड़गांव में रहते हैं, तो वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको नंबर के साथ साथ गूगल फॉर्म देंगे। गूगल फॉर्म आपको भरना जरूरी है, गूगल फॉर्म नहीं भरिएगा तो फिर हम कैसे वहाँ पर बता पाएंगे कि ये हमारे लड़के हैं जो भर्ती होने के लिए आए हैं। तो आप जब तक गूगल फॉर्म नहीं भरिएगा तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारे टीम को ऑफिस में जो ये रंजीत लड़के भर्ती करवाए हैं। जिससे कि दोस्तों आप सबको बता दूँ, अभी 2 साल मेरा होने वाला है 21 जुलाई को यूट्यूब पे, जो कि मैं 1200 कंप्लीट किया हूँ लड़का को, 1200 कंप्लीट किया हूँ। तो आपको जॉब चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप डिटेल भेज सकते हैं, बाकी हम बहुत सारे सिक्योरिटी में जॉब लगाते हैं लड़के को, आपको भी चाहिए कॉल करें, और बाकी हम आपको तो जॉब तो लगा ही देंगे। तो फिलहाल यही आपको सैलरी मिलेगा 18,400 PF काट के। और PF की मैं बात करूं तो दोस्तों PF आपको 1200 से लेकर 1600 रुपया तक आपका PF कटेगा, ये 30 दिन 12 घंटे का ड्यूटी रहेगा, और इसमें जो 1200 से 1500 मान लो अगर PF कटता है तो उसका डबल मिलेगा आपको, मैंने कह बोले तो 3000, 18,400 ये हो गया, तो टोटल जोड़िएगा तो 18,400 और 3000, इतना आपको टोटल CTC बन सकता है। तो बाकी आपको यही इन्फॉर्मेशन है, बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।